प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, सततता और अवकर्णीयता। अभी इसके पूर्व हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था, 17 अंक का आता है बोर्ड में। और ये सततता और अवकर्णीयता से रिलेटेड आगे भी जितने चैप्टर्स हैं इसके क्रम में हैं, बिना इसके पढ़े आप जो है अवकाश के अनुप्रयोग नहीं पढ़ पाएंगे, बिना इसके इसके बाद फिर उसको पढ़ने के बाद समाकलन पढ़ेंगे, समाकलन के बाद फिर जो है समाकलन के अनुप्रयोग, अवकलन समीकरण। तो इस तरह से ये सारे चैप्टर से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बिना इनके पढ़े इसकी एक क्रम में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप अगला चैप्टर समझ पाएंगे। तो उस क्रम में सबसे पहला चैप्टर आता है सतत्ता और अवकर्णीयता। सतत्ता और अवकर्णीयता पढ़ने से पूर्व आपने कक्षा 11 में सीमा और कुछ फलनों के अवकलन, जैसे त्रिकोणितीय फलनों और बहुपदी फलनों के अवकलन आपने सीखा पढ़ा। आज हम उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए सतत्ता पहले पढ़ेंगे, उसके बाद अवकलनीयता और कुछ फलनों के अवकलज, अवकलन गुणांक कैसे निकालते हैं ये सब देखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले हम सतत्ता पढ़ने से पूर्व हम आपको बता दें, एक बार रिवाइज करा दें, याद दिला दें, सीमा क्या होती है, किसी फलन की सीमा। चैप्टर का नाम है सतत्ता व अवकर्णीयता। तो सबसे पहले आपको हम बता दें, सीमा, फलन की सीमा क्या होती है, फलन की सीमा। देखिए, यदि आपका चैप्टर 5वां चैप्टर है, इसका फर्स्ट किताब का, यदि एफएक्स कोई फलन है और इसमें चर राशि जो आपकी है, चर राशि एक्स का मान ए की ओर अग्रसित होता है, यदि एफ एक्स कोई फलन है और चर राशि एक्स का मान ए की ओर अग्रसित होता है। देखिए, ए की ओर अग्रसित दो तरह से हो सकता है। अगर ये एक्स, ये संख्या रेखा है, माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, कहीं होगी ये संख्या। अगर एक्स हमारा या तो इधर से अग्रसित होगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में एक्स के छोटे मान से बढ़ते हुए ए की ओर, या एक्स के बड़े मान से घटते हुए ए की ओर, दो तरह से अग्रसित होता है। तो यहां पर जब यदि एफ एक्स कोई फलन है और उस फलन में चर राशि एक्स का मान ए की ओर अग्रसित होता है, ये देख रहे हैं दो तरीके से, तब एफ एक्स जो है एक निश्चित संख्या की ओर अग्रसित होता है। मान लिया वो निश्चित संख्या इस संख्या की ओर अग्रसित होता है, तो उस दशा में हम इसको, इस संख्या को एक्स बराबर ए पर फंक्शन एफ एक्स की सीमा कहेंगे। फिर से समझिए, जब हमारा फंक्शन एफ एक्स में एक्स किसी निश्चित संख्या ए की ओर अग्रसित होता है, तो एफ एक्स भी एक निश्चित संख्या एम की ओर अग्रसित होता है। तो इस दशा में इस एम इसको एफ एक्स की सीमा कहेंगे, कब, जब एक्स अप्रोचिंग टू ए, एक्स ए की ओर बढ़ता है, टेंड्स करता है, अप्रोच करता है, एक्स ए के बराबर नहीं है यहां पर। तो ये अप्रोच दो तरीके से, या तो बाईं तरफ से अप्रोच करेगा या तो दाईं तरफ से। जब हमारा एक्स बाईं ओर से अप्रोच करता है तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट कहा जाता है, और जब दाईं ओर से एक्स अप्रोच करता है तो इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं। यहां पर सबसे पहले लिमिट को लिखते कैसे हैं, तो ये परिभाषा के अनुसार, तो इसको लिखने का ढंग क्या है, इसको लिखते हैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स बराबर एम। ये हमने माना है, इसको माना है, तो मुझे लगता है ये परिभाषा आपने कक्षा 11 में पढ़ी होगी, ये समझ में आ गया होगा। फिर से बता दें, जब हमारा एफ एक्स फंक्शन कोई है जिसमें चर राशि एक्स ए की ओर अग्रसित होता है, तो फंक्शन का मान किसी निश्चित
संख्या एम की ओर अग्रसित होती है, इसको मान लिया, कुछ भी और भी हो सकता है, तो यहां पर इस निश्चित मान को ही x बराबर a पर या x अप्रोचिंग a पर इस फंक्शन की सीमा कहते हैं। और जब हमारा फंक्शन जब फंक्शन में चर राशि x बाईं ओर से अप्रोच करता है a की ओर, तो ये कहलाता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब x एक ओर दाईं ओर से अप्रोच करता है तो ये कहलाते हैं राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते कैसे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर इसको लिखते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस, क्योंकि a के इधर है एफ एक्स, या इसको ये भी लिखा जाता है लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ a माइनस h। यहां पर x की जगह जो है अब आप क्या रख देंगे a माइनस h, जब तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, जहां h क्या है, h बहुत ही सूक्ष्म संख्या जीरो को अप्रोच कर रही है। और राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट बराबर होता है लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू जीरो एफ ए प्लस एच। ये जहां यहां पर भी h क्या है, बहुत ही सूक्ष्म संख्या, तो इस तरह से ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होती है। इसको जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होती है तो x के स्थान पर a माइनस एच रखते हैं, और राइट हैंड लिमिट निकालनी होती है तो x के स्थान पर a प्लस एच रखते हैं। अब आते हैं हम लोग देखते हैं फंक्शन का अस्तित्व कब होता है। देखिए सॉरी सीमा का अस्तित्व एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में बराबर हो, तब हमारा सीमा एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मीन्स क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू a माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हो गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू a प्लस एफ एक्स, ये हो गया। अब ये बाईं ओर से x बाईं ओर से a की ओर अप्रोच कर रही है, यहां पर x जो है यहां पर जो x है वो a की ओर दाईं ओर से अप्रोच कर रही है, तो इस तरह से ये सीमा का अस्तित्व होता है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसको, और अब सततता को समझते हैं कि सततता क्या होती है। सततता किसी फंक्शन की सततता, इसको आइए समझा जाए, ये कुछ बेसिक, क्योंकि बिना सीमा को समझे सततता को नहीं समझा जा सकता। सततता जैसा कि नाम से कॉन्टिन्यूटी, इसको कहते हैं लिमिट कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यहां पर कॉन्टिन्यूटी मीन्स कॉन्टिन्यूअस। कहीं भी किसी फंक्शन का यदि ग्राफ खींचा जाए तो उसका ग्राफ इस तरह से कहीं भी ब्रेक ना हो ऐसे, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। और यदि आप किसी फंक्शन का ग्राफ खींचे ऐसे, और फिर यहां पे ये देखिए ये यहां बीच में टूटा है, या फिर ये देखिए यहां पे ब्रेक है, तो ऐसा फंक्शन जो जिसका ग्राफ जो है सतत पूरा एक रेखा चित्र कहीं भी टूटा ना हो वो सतत कहलाता है, और यदि कहीं बीच में भंग है ब्रेक है तो वो असतत होता है। ठीक है, तो इसको अब आप देखिए, जैसे कि इसको समझने के लिए, सततता को समझने के लिए दो एग्जांपल लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर मान लीजिए कि ये टू एक्स इज ग्रेटर देन जीरो और वन
एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, अगर इसका ग्राफ खींचा, इसका वो किया जाए, ग्राफ खींचा जाए, आइए देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। यहां पर ये वाई, ये एक्स, ये मून बिन, और इधर ये एक्स डैश, और ये नीचे वाई डैश। अगर ये वन कह दीजिए, ये टू कह दीजिए, वन टू। अब आप देखिए एक्स बराबर जीरो पे इसका मान वन है, जीरो पे वन ये आ गया, और फिर वन जीरो से छोटे के लिए, जीरो से छोटे माने इधर सारे मानों के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स का मान क्या है, वन। इसका जो ग्राफ ये ऐसे आएगा, और एक्स का मान अगर जीरो से बड़ा है तो यहां से स्टार्ट होगा, जीरो से बड़ा। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना है कि जीरो पर ये जो जीरो से बड़े सभी मानों के, यानी यहां इधर एक्स के सभी मानों के जो है एफ एक्स का मान दो है, तो यहां जीरो से ठीक बड़ा, जीरो से बड़ा मीन्स पॉइंट जीरो जीरो वन, पॉइंट जीरो वन वन, जो भी है जीरो से बड़ा। तो ये हमारा ग्राफ इधर की ओर जाएगा, लेकिन ये जीरो इस पे इंक्लूड नहीं होगा, इस बिंदु में जीरो नहीं आएगा यहां पे। अब आप देखिए तो इस फंक्शन में अगर आप देखा जाए तो ये जब हमारा एक्स का मान जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, एक्स का मान जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, एक्स जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपकी आ रही है वैसे दैट इज इक्वल टू वन। और इधर जब इधर से अप्रोच कर रहे हैं, एक्स का मान इधर से जब जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, तो राइट हैंड लिमिट का मान दो, ये एक्स दो के बराबर नहीं, ये जीरो के बराबर नहीं, जीरो को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच माने उसकी ओर अग्रसित है। तो यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, और फंक्शन की वैल्यू भी आप देखिए दो पर जीरो पर, जीरो पर फंक्शन की वैल्यू वन। यहां से अगर आप इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखिए यहां सब तो ठीक है ऐसे ऐसे, लेकिन अब इसके बाद अगला ग्राफ यहां पर एक्स के आगे, एक्स से बड़े, जीरो से बड़ी संख्याओं के लिए, यहां तक तो आप एक पेंसिल ऐसे रखेंगे ऐसे चलते आएंगे, लेकिन इसके आगे ग्राफ खींचने के लिए आपको पेंसिल उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जीरो पर, जीरो के ठीक बाद उसका जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां के बाद उठाएंगे तभी तो आगे का ग्राफ खींच पाएंगे। यानी कि पेंसिल हमें, जब हम कोई ग्राफ खींचे और पेंसिल हमें ना उठानी पड़े, एक ही बार में वो ग्राफ खींच जाए, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो होता है वो सतत है। तो यहां पर वो देखिए ब्रेक है, और यहां क्या कंडीशन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की लिमिट आपस में बराबर नहीं है। यदि ये बराबर होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, फिर तो जो है बड़े आसानी से एक तो एक स्थान से पेंसिल नोक रखते और दूसरे स्थान तक पूरा लास्ट तक खींचते चले जाते। एक और एग्जांपल हम आइए देखते हैं, एफ एक्स बराबर टू, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, या एक्स इज इक्वल टू जीरो और वन, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसका ग्राफ देखिए कैसे करते हैं, जीरो के बराबर नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि एक्स का मान जो है जीरो से छोटे के लिए भी वन होगा, जीरो से बड़े के लिए भी वन होगा। तो आइए देखते हैं, ये वाई, एक्स, एक्स डैश, वाई डैश, ये मूल बिंदु। तो सबसे पहले जीरो पर, जीरो पे दो, यहां एक कह दो, ये दो कह दो, जीरो पे आपका ये बिंदु आ गया, और जीरो से कम के लिए एक और ज्यादा के लिए भी एक। तो आप देखिए यहां पर ये सारे बिंदु अगर आप वो करें तो इस पर भी वन, इस पर भी वन, ये वन वन, ऐसे इसके आगे के लिए भी आप ग्राफ खींचना जानते हैं, इसके आगे भी सभी बिंदुओं के लिए वन वन, तो ये आपकी एक रेखा आ जाएगी ऐसे। लेकिन ये जो बिंदु है जीरो, ये जो है इसमें नहीं आएगा। तो अब आप देखिए
यहां पर यहां से यहां तक तो कंटिन्यूअस है, सतत है यहां, लेकिन बीच में ये ब्रेक हो गया है क्योंकि यहां पर जीरो पर ये बिंदु यहां पहुंच गया है और उसके बाद फिर ये सतत है। तो यहां पर क्या गड़बड़ है, यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है परंतु दिस इज नॉट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, एफ जीरो के बराबर नहीं है। तो इन दोनों उदाहरणों से ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी फंक्शन को सतत होने के लिए क्या जरूरी होना है, होता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन अर्थात फंक्शन का मान, ये यदि बराबर है तभी हमारा फंक्शन सतत होगा, अदरवाइज सतत नहीं होगा। तो अब इसकी सततता की परिभाषा क्या आ गई, आइए सततता की परिभाषा देखा जाए। किसी फंक्शन की सततता, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, इसकी परिभाषा यदि एफ एक्स, यदि एफ एक्स जो है एक वास्तविक फंक्शन है तो, तथा वास्तविक फंक्शन माने इसके डोमेन और रेंज वास्तविक है, तथा एफ एक्स का जो प्रांत है वो वास्तविक संख्या है, तो एफ एक्स के प्रांत में कोई संख्या, तथा एफ एक्स के प्रांत में कोई संख्या ए हो तब एक्स बराबर ए पर एफ एक्स सतत होगा यदि, ये कंडीशन क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू एफ ए ये हो, या इसको ये भी कह सकते हो, ऐसे भी लिखा जा सकता है लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए। तभी हमारा फंक्शन सतत होगा, अदरवाइज नहीं होगा, जैसा कि हमने अभी पीछे उदाहरण में देखा भी था। और दूसरी परिभाषा ये भी आप कह सकते हो कि फंक्शन का यदि ग्राफ खींचा जाए वो ग्राफ कहीं से भी ब्रेक ना हो, जैसे हम कोई ग्राफ खींचे, मान लो ये हमने खींच दिया, ये कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ये हमारा फंक्शन कैसा है, सतत है। और यदि ये आपका ग्राफ इस तरह से आ जाए, तो यहां पे आपका देखिए ब्रेक है, बीच में ये ब्रेक है, तो इसमें ये फंक्शन सतत नहीं है, तो सतत का ये अर्थ हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं कि किसी अंतराल में हमारा फंक्शन कैसे सतत होता है। किसी अंतराल में फंक्शन की सततता, देखिए सबसे पहले यहां पर एक खुला अंतराल, अंतराल ए बी में, अंतराल ए बी में फंक्शन की सततता, देखिए इस ए बी अंतराल, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि एक्स का मान ए और बी के बीच में है और ए और बी नहीं है, खुला अंतराल इसको आप कहते हैं, आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, ये है खुला अंतराल। तो हमारा फंक्शन एफ एक्स जो है इस अंतराल में सतत तभी होगा जब एफ एक्स ए और बी के बीच के सभी मानों पर सतत हो,
सभी मानों के लिए कंटिन्यूअस हो तभी ये सतत होगा, अदरवाइज सतत, यानी जितने बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर सतत हो, एक्स जो है एफ एक्स जो है फलन ए और बी के बीच के सभी बिंदुओं पर यदि सतत है तो हम कहेंगे कि एफ एक्स ए बी अंतराम में सतत है, अदरवाइज सतत नहीं है। और दूसरी चीज, अगर बंद अंतराम, बंद अंतराम आपका आता है, बंद अंतराम ए बी में, इसके लिए भी कंडीशन है। पहली चीज जो है एफ एक्स इतने में सतत हो, अर्थात ए एक्स ए और बी के बीच के सभी मानों में एफ एक्स सतत हो। दूसरी कंडीशन ये है, आप देखिए यहां पर किनारों पर, यानी यहां ए बी का मतलब ए यहां बी यहां, यहां पे इसकी आप देखिए इसके इधर कोई पॉइंट नहीं है और इसके इधर कोई पॉइंट नहीं है, तो यहां पर सिर्फ इसकी राइट हैंड लिमिट निकालनी जा सकती है। तो यहां और यहां पर इसके राइट में कोई बिंदु नहीं है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी जा सकती है। तो यहां पर इसकी राइट हैंड लिमिट ए बिंदु पर राइट हैंड लिमिट का मान एफ ए के बराबर होना चाहिए और बी बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट का मान एफ बी के बराबर होना चाहिए, अर्थात पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए प्लस एफ एक्स बराबर एफ ए, और तीसरी बार कि लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू बी माइनस एफ एक्स बराबर एफ बी। ये क्या है, इसको हम दिस इज राइट हैंड लिमिट, ये है इस बिंदु पर, और इधर क्या है ये लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दूसरी कंडीशन, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहां राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए राइट एक्स बराबर एक्स जो है ए इस एंड पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट और इस एंड पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहां लेफ्ट हैंड लिमिट और यहां राइट हैंड लिमिट जो है क्या होना चाहिए एफ बी के बराबर और ये एफ ए के बराबर होना चाहिए। बात शेष नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।